You're a liar, liar. Your heart's on fire, fire. And I'm ringing the alarm. Yeah, I'm ringing the alarm. You're a liar, liar. Your heart's on fire. Good morning. बाहर का नज़ारा देखिए, अभी टाइम है अराउंड 6:45। कितना ठंड है, कितना ठंड है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अलग अलग सा बना हुआ है, यहाँ पे कुछ प्रीमियम कॉटेज है, कुछ सिंगल स्मॉल है, और यहाँ पे ऊपर रिसेप्शन है, इधर भी कॉटेजेस है। अपना बाट का साउंड सुनिए, पता नहीं सुनाई दे रहा है नहीं। क्या कर रही हो? चाय 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 चाहिए, बहुत ठंडी है, चाय बना रही हूँ। चाय लेके बाहर थोड़े जाते हैं। There is a heat over there, you can see। ये पूरा क्लीन हो जाएगा थोड़ी देर बाद शायद, looks like that। मगर मस्त नजर आए यहाँ पे। चाय रेडी है। अरे बाप रे, कितना हवा दे रहा है। ये वाला तुम्हारा थोड़ा कड़क है, ये वाला। गर्मा गर्म चाय के साथ ये व्यू। Hey, good morning. Welcome back to our channel, RD's Happy Time. तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है 25th of December, तो मेरी क्रिसमस आप सभी को। मेरी क्रिसमस। तो आज हम लोग वापस जा रहे हैं बैंगलोर। हम आप तो पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा कि हम इधर वायनाड में Y3 जो एरिया है उधर रुके थे। बहुत खूबसूरत जगह है। मेरा सजेशन यही है, अगर आप लोग वायनाड में आते हो और इधर स्टे करना चाहते हो ना, तो Y3 बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो इधर रुक सकते हो। हमारा प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा है, इनका ये प्राइवेट ये टी गार्डन है पूरा, और नीचे से कावेरी रिवर इधर से एक जा रहा है, और वाटरफॉल इधर है एक। साउंड आ रहा है पूरा दिन, लेकिन हम अभी उधर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी कहीं एक दो व्यू पॉइंट में और जाना है, क्योंकि वेदर अभी मस्त होके रखा है। तो जाते हैं, फिर निकलते हैं, जाते हुए देखते हैं, और एक दो पॉइंट अगर देख लिया फिर उधर से फिर निकल जाएंगे। और आप लोग आज एंड तक हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम रिटर्न होने के टाइम पे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होके बांडीपुर होके फिर निकलेंगे। आशा करती हूँ उधर पहुँचते पहुँचते 3-4 o'clock हो ही जाएगा, तो शायद कुछ दिख जाए आज। तो चलो रास्ते में बात करते हैं और देखते हैं, यहाँ जाते जाते और एक दो मस्त जगह है देख के जाते हैं। वेदर भी बहुत अच्छा है, सुबह तो इतना कोल्ड हो रहा था, ठंडी थी बहुत ज़्यादा। तो चलो निकलते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, एक बार और एक बार देख लो। ये ऐसा कॉटेजेस है सब, ये वाला एक है और इसके ऊपर वो ऊपर वाला हम रुके थे उधर। रोड थोड़ा नैरो है और डाउन है बहुत। Mm-hmm.
तो अभी हम लोग यहाँ पे रुक गए जाते क्योंकि सोचे थे कि रिटर्न घर जाने के टाइम पे ये वायनाड का जो गांधी ग्राम बोल के जो शॉप्स आते हैं ना हैंडीक्राफ्ट स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है, बहुत सारा है, मतलब रोड के साइड में और मेनली ये वाइथरी के साइड में आपको बहुत सारा ऐसा मिल जाएगा इनके ब्रांचेस। तो उधर देखिए रोड के उस तरफ एक दिख रहा है और इधर हम रुक गए, इधर देखते हैं क्या मिलता है। ऐसा केन बास्केट छोटा छोटा, स्पाइसेस रहता है, टी स्पाइसेस, ये सब ऑर्गेनिक होता है। यहाँ के जो लोकल्स हैं ना, लोकल गांव से सब बनाते हैं खुद। और केरला तो आपको पता ही होगा स्पाइसेस के लिए फेमस है। देखिए यहाँ पे सारा पापड़ है, ये पापड़ ले लो एक दो ऐसा पापड़, साइज पापड़ चाहिए तो ले सकते हैं। ये देखिए पूरा यहाँ से हमने कुछ खरीद लिया। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं कलपेट्टा होते हुए, सुल्तान बत्री होते हुए निकलेंगे। अभी लंच टाइम भी हो चुका है, 1:10 हुआ है अभी, तो इधर नहीं करेंगे लंच, थोड़ा आगे चलते हैं। कलपेट्टा में भी वो भी एक बड़ा टाउन है तो उधर कर लेंगे। अभी टाइम हुआ है 3:10 हुआ है, तो हम लोग कलपेट्टा क्रॉस करके आ गए, उसके बाद मीननगढ़ी और अभी सुल्तान बत्री जस्ट पहुंचने ही वाले हैं, 5 किलोमीटर है। तो लंच हमने कलपेट्टा में कर लिया था क्योंकि वो बाईपास लेने वाले थे, तो हमें लगा कि शायद रेस्टोरेंट मिले या ना मिले, तो हमने उधर ही एक पैराडाइज बोल के कोई रेस्टोरेंट था तो उधर कर लिया, लेकिन शूट नहीं किया क्योंकि वो मतलब कच्चा कच भीड़ था, तो हमें सीट मिल गया वही बहुत है। तो वहाँ पे लंच करके फिर हम लोग जस्ट आ ही रहे थे, चार ऐसे पुलिस ऑफिसर हमारी गाड़ी को ऐसे साइड कर दिया। सडनली क्या हुआ है, जा रहा था गाड़ी अराउंड 70-80 किलोमीटर स्पीड में था, तो सडनली स्टॉप कर दिया, चार पुलिस ऑफिसर थे बीच में, और खाली रोड में साइड करना पड़ा फोर्सफुली। करने के बाद बोल रहा है शो मी योर लाइसेंस। अरे क्या हो गया सर, व्हाट इज एनीथिंग रॉन्ग, नो गिव मी योर लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस मैं दे दिया, वो भी ओरिजिनल लाइसेंस था। देने के बाद बोल रहा है व्हाई डिड यू मेड एक्सीडेंट एंड व्हाई इज दैट, व्हाई आर रनिंग सो फास्ट। बोला हुआ क्या है सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तब बोलने लग गया कोई तो व्हीकल ने एक्सीडेंट कर दिया है, एंड दिस इज द सेम व्हीकल, लुक्स लाइक यू, एंड इट्स अ बैंगलोर रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड रोका दिया। अभी फोटो खींचा गाड़ी का, पीछे एक डेंट देखा, वो क्यों डेंट है, क्या कर दिया। मैं बोला सर इतना कुछ डिटेल्स बताने वाले, आप हुआ क्या ठीक से बोलिए। तो बोला नहीं ऐसे हुआ है, कोई समबडी मेड एक्सीडेंट एंड रनिंग। तो मैं बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहाँ से आ रहे हो, कितने बजे निकला, कौन सा होटल से निकला, कहाँ जा रहे हो, बैंगलोर में कितना दिन रहते हो, सब पूछने लग गया।
तो ठीक है, ऐसे तो कुछ काम किया ही नहीं कि डरने का कुछ नहीं है। हाँ। ऐसे बात किया तो ठीक है, बेकार में हमें टेंशन दे दिया। सच में यार, बेकार में टेंशन। मैं सोच रही थी कि किया क्या है भाई, रुका क्यों रहे हो साइड में ऐसे। और वैसे ही मतलब हाई रोड में ऐसे बीच में ना खड़े होके साइड करा देते तो वैसे ही टेंशन तो हो ही जाएगा। तो ठीक है, कोई नहीं, हमारे जैसे ही कोई गाड़ी शायद किया होगा कुछ, वो भी बैंगलोर का। तो वही अभी हम लोग जस्ट पहुंच रहे हैं, पहुंच गए क्या सुल्तान, ये भी एक टाउन ही लग रहा है। हाँ, सुल्तान बथेरी। अभी हम लोग पहुंच गए हैं सुल्तान बथेरी, ये टाउन। यहाँ से अभी कुछ देर जाने के बाद ही मिल जाएगा वो, हम लोग फॉरेस्ट सेंचुरी कर जाएंगे, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद बांडीपुर होके फिर बैंगलोर। आज देखते हैं अभी इस टाइम पे कुछ दिखेगा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं अभी क्या दिखता है, कुछ दिख जाए तो मज़ा आ जाए। अभी हम लोग वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे अभी 4 o'clock से सफारी का टाइम होता है, तो सफारी के बहुत सारे व्हीकल देखा हमने, जीप वगैरह। ये एक जा रहे, देखो ये सब सफारी का गाड़ी है। ओ हाथी, हाथी आवार, हाथी, हाँ हाथी ही देखे है वो हम लोग। हमें आते आते 11:30 बज चुके थे और हम सब बहुत टायर्ड हो गए थे, तो इसीलिए कल वीडियो को एंड नहीं किया, सोचा कि नेक्स्ट डे कर देते हैं। तो आज वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और हमारे पूरे वर्नर सीरीज इस चैनल पे है, आप लोग जरूर देख लेना। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तो चलिए वीडियो को अभी इंपेंड करते हैं, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए क्योंकि हमारे चैनल पे अभी और वीडियोस आने वाले हैं, अपकमिंग वीडियोस है बहुत सारे। तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर।